नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष शर्मा अशोका ऑटोमोबाइल चौंधरा हिमाचल प्रदेश से, और मैं आज आपको बताऊंगा जो हमारा ब्रश कटर होता है उसमें जो टिलिंग अटैचमेंट आती है उसे किस तरह से हम इसमें फिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये टिलिंग अटैचमेंट कहीं से मंगवा रहे हैं तो पहले इसमें दो साइज आते हैं, एक आता है 26 mm और एक आता है 28 mm। इसका फर्क कैसे चलता है, ये जो पाइप होती है इसकी जो मोटाई होती है वो या तो 26 mm होगी या तो 28 mm होगी। तो सबसे पहले आप मंगवाने से पहले एक बार जो है इसकी जो लेंथ है वो चेक कर लें। तो ये देखिए, ये 25.9 यानी कि 26 mm है। ये देखिए, ये भी 26 mm का है। ये देखिए 26 mm का है, आप देख सकते हैं ये 26 mm का बोर है, तो ये जो है इसमें फिट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 28 आता तो 28 mm की जो पाइप होती थी उसमें ये फिट होना था। तो पहले आप मंगवाने से पहले एक बार चेक कर लें कि ये 26 mm का ही हो। अगर यहाँ पे आपके 28 mm और ये आप 26 mm का मंगाते हैं तो फिटिंग नहीं होगी। तो आपका ये 26 mm है तो ये भी 26 mm ही होना चाहिए। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जो है इसका जो ये पोर्शन है ये खोलना होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमें आपके पास टूल मिले होते हैं, जो आपकी टूल किट आती है ब्रश कटर के साथ, उसमें जो होता है ये एलन की जो होती है ये यूज होती है। ये दो एलन की जो होती है मैक्सिमम यही यूज होती है हर जगह। तो दोस्तों सबसे पहले फिटिंग करने के लिए हम इसे खोलेंगे। ये जो आपको एक एलन की कनट यहां दिख रहा है और एक एलन की कनट यहां दिख रहा है, ये जो दो एलन की कनट है इसे खोलेंगे। तो ये एक नट हम यहां से खोलेंगे, ये इसका लॉक करने का होता है। तो ये एक नट हमने यहां से खोलना है। ये देखिए नट हमारा ढीला हो चुका है, इसको पूरा खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लॉक करने के लिए होता है। और ये देखिए एक नट ये ढीला करना है, इस तरह से निकल जाता है। और ये देखिए ये जो शाफ्ट है हमारी, इसका जो ये जो टीथ है वो इस टीथ में प्रॉपर मैश होने चाहिए। और एक और चीज ध्यान रखनी है, ये जो लॉक है यहाँ पे जो छेद दिख रहा है इसमें, यहाँ पे जो नट है ये वाला नट, ये इस छेद में प्रॉपर एडजस्ट होना चाहिए। अगर ये नट इस छेद में नहीं आया तो आपका ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो दोस्तों ये दो चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। तो हम इसे अब एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसे हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से हम इसे लॉक वाले नट को अच्छे से जो है प्रॉपर एडजस्ट कर देंगे। इसको पूरा कस दें, जो छेद है अंदर वो मैच होना चाहिए और छेद के अंदर ये घुसना चाहिए, नहीं तो ये प्रॉपर ये हिलेगा और ये जो अंदर वाली जो शिफ्टिंग वो जो रोड होती है जो इसको घुमाती है वो खराब हो जाएगी। अब हम इसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो दोस्तों हमारी जो टेलिंग अटैचमेंट है वो काम कर रही है। आप सबने देखा कि वो किस तरह से हम इसे फिक्स कर सकते हैं और किस तरह से हम इसे चला सकते हैं। यहाँ पे इनर को खोल के देख लेना है, इसके अंदर जो होता है ग्रीसिंग होती है, ऐसे तो डाली होती है ग्रीसिंग, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो ये देखिए आप दिख रही है आपको, इसमें ग्रीसिंग जो है की हुई है अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अशोक ऑटोमोबाइल को, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।